एंड एलसीएम ऑफ 10 एंड 25। तो हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन उसको सॉल्व करते ही 10 हमने लिख लिया, तो एक ऐसा प्राइम नंबर जो सबसे छोटा हो और 10 को डिवाइड करता हो तो वो है 2। 2 5s are 10, फिर इसके बाद 5 1s are 5, फिर इसके बाद 25 की तरफ हम आते हैं। तो एक ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो 25 को क्या करता हो, डिवाइड करता हो, और वो प्राइम नंबर सबसे छोटा भी हो तो 2 पर भी नहीं होता, 3 पर भी नहीं होता, तो इसलिए हमने 5 सेलेक्ट किया। तो 5 5s are 25, दोबारा 5 पर हमने इसलिए किया क्योंकि 5 डज नॉट डिविजिबल बाई 2 एंड 3, इसलिए हमने 5 सेलेक्ट किया। तो 5 1s are 5। अब 10 और 25 का मल्टीपल कौन कौन से है, तो 10 का है 2 एंड 5, 25 का है 5, तो 5 5s are 25 और 2 5s are 10, उन दोनों में कॉमन फैक्टर है वो है 5 और नॉन कॉमन फैक्टर है 2 एंड 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो। फिर इसके बाद जो फार्मूला है एलसीएम का वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर की वैल्यू है 5 और नॉन कॉमन फैक्टर की वैल्यू है 10, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर आया 50। फिर इसके बाद डिवीजन मेथड में दोनों को एक साथ लिखो, तो 2 5s are 10 और 25 अपनी जगह पर, फिर इसके बाद 5 1s are 5 और 5 5s are 25। क्यों हमने 5 चूज़ किया, क्योंकि 25 डज नॉट डिविजिबल ऑन 2 एंड 3 और हम सिर्फ प्राइम नंबर चूज़ करेंगे, तो 25 और 5 दोनों में से सिर्फ दोनों 5 पर डिविजिबल है, तो हमने इसलिए 5 को चूज़ किया। फिर 5 1s are 5, तो इन सब को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, उससे एलसीएम की वैल्यू आएगी 2 5s are 10, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई, और 5 10s are 50, एलसीएम ऑफ 10 एंड 25 बिकम्स 50।